सर्वविद्या की राजधानी कहे जाने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अब नो हॉर्न नियम को लागू किया गया है। इसके तहत अब पूरे परिसर में हॉर्न बजाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा दो पहिया वाहनों पर यातायात नियमों के तहत तीन सवारी पर रोक भी लगा है। साथ ही साथ कैंपस की सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड की लिमिट भी तय की गई है। इसको लेकर बाकायदा चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से ऑर्डर भी जारी हुआ है। ऑर्डर जारी होने के बाद सुरक्षाकर्मी कैंपस के सड़कों और चौराहों पर इसको लेकर एक्टिव भी हो गए हैं। इतना ही नहीं, ये नियम ठीक से लागू हो सके इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि सड़कों के अलावा हम लोग हॉस्टल और डिपार्टमेंट में भी इसको लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक करेंगे। हम लोग कैंपस को, ये कैंपस जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कैंपस है, ये देश में एक यूनिक कैंपस है, तो कैंपस के लाइफ को ज़्यादा अच्छा बनाया जाए उस पर उस उद्देश्य से हॉर्न बजाने वाले लोगों को, जबकि इस कैंपस में हॉर्न बजाने की कहीं ज़रूरत नहीं। मेरी गाड़ी चलती है, मैं पिछले 8 महीने से चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी चलती है, आगे कोई पैदल भी रहता है तो मेरी गाड़ी हॉर्न नहीं बजाती, जो मेरी सरकारी गाड़ी है। तो चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी अगर हॉर्न बजाए वगैरह चल सकती है तो सब लोग चल सकते हैं। तो फिर तीन लोग ना चलें, उसके लिए हम लोग जागृत कर रहे हैं। कोई ऐसा, चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सुरक्षा विभाग के पास ऐसी कोई वैधानिक वो नहीं है कि हम उनको चालान करें और वो करें, लेकिन लोगों तक अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो उसको फॉलो करें। तीनों है, स्पीड लिमिट है और हॉर्न नहीं बजाना है और तीन सवारी को नहीं करना है। ये केवल एक कानून का पालन कराना नहीं है, ये जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके तक आप पहुँचाए, मैंने इस लिंक को आप पहुँचाइए जहाँ से बच्चों के पास पहुँचे, ये उनके जीवन में एक डिसिप्लिन डेवलप करेगा। भविष्य में जहाँ पे भी रहेंगे इन तीनों चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा उससे।